जब इस तरह से संत बने हुए भक्त पूर्णमल ने राजा को समझाया कि हे राजन, जो भी कुछ है ईश्वर भक्ति में है, तभी नगरी के कुछ लोग महाराणी इंचरादे को बाग के अंदर लेकर आ जाते हैं कि इतना तपस्वी संत हमारे बाग के अंदर आया है, हो सकता है इसकी योग माया से, इसके तपोबल से महाराणी इंचरादे को दिखने लगे, तो महाराणी इंचरादे को बाग के अंदर ले आते हैं। और जैसे ही संत बने हुए भक्त पूर्णमल ने मां इंचरादे को देखा, बिल्कुल हृदय से दिल से नमन करते हैं, और जैसे ही भक्त पूर्णमल ने मां इंचरादे के चरण स्पर्श किए, उस परमात्मा की लीला देखिए, महाराणी इंचरादे को दिखना शुरू हो जाता है, नेत्र ठीक हो जाते हैं। जैसे ही पूर्णमल ऊपर की तरफ खड़े हुए तो पहचान लिया कि ये तो मेरी कोख का जाया मेरा बेटा पूर्णमल है, जिसको कत्ल होते के साथ ये बाग सूख गया था। आज पूर्णमल के पैर पड़ते के साथ ये सारा बाग हरा हो गया है। कौड़ी भर लेती अपने बेटे पूर्णमल की और आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। राजा श्याल भान पहचान लेते हैं कि वास्तव में ये मेरा बेटा पूर्णमल है, और कहने लगे कि बेटे, मैंने न्यूना देख की झूठी बातों में आकर तुझे जल्लादों के हाथों कत्ल करवा दिया, अब इस फकीरी बाणे को, इस संतों के बाणे को त्याग दे और इस राजपाट का श्याल कोट का मालिक बन जा, क्योंकि तेरे इस राजपाट को संभालने वाला चलाने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसका वारिस नहीं है। और किस तरह से समझाते हैं, दोनों के बीच में किस तरह से बातचीत होती है, सुनेंगे इस रागिणी के माध्यम से। नहीं है।